अभी मैं जनपद मऊ में हूँ और मऊ में इस समय चुनाव का माहौल है, आप लोग को पता ही है चेयरमैन का। और चेयरमैन के चुनाव पे यहाँ से सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी चुनाव लड़ रही हैं और बहुत ये लोगों के इस समय जहन में है, लोग बहुत चर्चा के विषय बने हैं कि मऊ जिले से अब जो है चुनाव एक किन्नर के प्रमुख जो है वो लड़ रहे हैं। बाकी कुछ क्या है बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके परिचय जानते हैं। और परिचय के तो मोहताज हैं नहीं क्योंकि सभी लोग इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार परिचय हो जाए। मैम सबसे पहले एक बार परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है, मैं किन्नर की प्रमुख हूँ और मैं यहाँ मांगती खाती हूँ। और सबसे पहले नगरवासियों का मैं आभारी और एहसानमंद हूँ जो सुबह 6 बजे से 10 बजे रात्रि को फोन आता है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ऐसी समस्या आ गई, क्या कहाँ से ख्याल आ गया कि अब हम जो है चेयरमैन का चुनाव लड़ें, क्योंकि आप जिस समाज से हैं, जिस जैसे आप लोग का जीवन चल रहा था उसमें लोग उससे हट के नहीं आते हैं, लेकिन फिर आपके कहाँ से ख्याल आया कि नहीं हम जो है समाज सेवा में लगे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न रहा है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। मगर नेताओं का पुरानी परंपरा रही है, देखते हैं किस सबसे मुझे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमें भी कहने में शर्म आती है, मगर जब वो कह ही रहा है तो मैं उसको ठीक सटीक जवाब दूंगी। हाँ, तुम जो शब्द मुझे हिजड़ा कह रहे हो, चलो ठीक है मैं मान रही हूँ। मैं तेरे पार्टी वाले से पूछ रही हूँ जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बताती है बहुजन और समाजवादी पार्टी, तुम पहले ये बता दो तेरा मुखिया कि एमपी एमएलए का पद डीएम और एसपी से बड़ा होता है। मगर तुमने सिंबल भेजकर इस डान को एमएलए बनाया, तो क्या यही सिखाई थी या सिखाया था दोनों पार्टी वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष कि जीतना तो जीप पे रिवाल्वर राइफल लहराना, यही लिखा है तुम्हारे संविधान में और तुम्हारी पार्टी में। वो जो यूज कर रहा है, मेरा तो अच्छा होता मलताई बाबा की नगरी से ऐलान करती, मेरे माँ होते, बाप होता, भाई होता, बहन होता, बीबी होता, बच्चे होते, मैं इनकी नगरी में तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। तुम इस तरह की क्यों घिनौनी हरकत बोल रहे हो? अरे हिजड़ा नहीं लड़ता प्रधानमंत्री से, मेरी माँ ने मर्द पैदा की है, तब मैं 2004 में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और उसके बाद तेरा अत्याचार देख के मैं ऐलान कर दे रही हूँ कि मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगी। मेरा लिबास बस है ऐसा, मेरा विचार ऐसा नहीं। तू जहाँ से भी कहेगा वहाँ से ना जवाब दूँ ना मैं दावा करूँ तो मेरे जनती और मेरे लिबास में फर्क। जिस तरह गोरखपुर में अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने मेरा गुरु रिकॉर्ड तोड़ा, जैसे गोरखपुर जनपद में एक से एक माँ ने गुंडा पैदा की थी, एक से एक माफिया ने गुंडा पैदा की थी, उस जगह से मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने सीट को निकाल दिया और प्रत्याशियों को जमानत जब्त कर दिया। तो ये बताओ डान, अब माफिया जो तू बना है मऊ गली किस गली का है? मऊ जिला ये छोटा सा जिला है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मरने के बाद तूने इतना दबदबा बनाया कि तेरा विनाश हो गया। ये तेरे अरशद और तैयब क्या करेंगे? जनता ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है, ये मलताई बाबा की नगरी है। मैं ऐलान करती हूँ जहाँ भी तू पार्लियामेंट का चुनाव लड़ या एमएलए के देख न आती हूँ तो इस वर्दी का कसम, इस लिबास का कसम मैं ये खोल दूंगी। जो जी बोल रहे थे
ये तो आप अपनी जीवनी के बारे में बताएं, विरोधी के टक्कर के सवाल आपकी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि किस परपज से, आपका तो काम दूसरा था, लेकिन क्या कैसे जनता के बीच में आने का मेन मकसद क्या है, क्या ख्याल आया कि नहीं अब हम जो है समाज में उतरे समाज की भलाई के लिए? ये देखिए, मैं गली घाट में घूमती हूँ, जनता का सब कुछ मेरे पास है, इतना मुझे जनता आशीर्वाद दी है कि मैं 100 पीढ़ी बैठ कर खाऊंगी। मगर मैंने सोचा कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद बहुत से बड़े एमपी एमएलए आए, मंत्री भी बने पार्टियों से, मगर उनके विकास के नाम पर ये आज तक चूनाकली नहीं किए। तो इस बार जनता मुझे आशीर्वाद दी है, जनता ही का पैसा मैं लगा रही हूँ, किसी सेम्बल पार्टी वाले से नहीं लड़ रही हूँ, जबकि पार्टी वाले आ रहे हैं। पार्टी वाले का मतलब वो कहेगा कि मेरा काम कीजिए, ये मेरे नगर का चुनाव है, फिर मैं नगर देख लूँगी, फिर तुझे जवाब दूँगी। मगर इस तरह की तू इतनी ना घिनौतनी शब्द बोलो कि मेरा इतिहास खोलना पड़े। मैं तुम्हें दावा करती हूँ, ये मलताई बाबा की नगरी है, रामायण महाभारत और शास्त्र में विद्वानों से पूछ लेना, फिर मेरे बारे में सोच के कदम उठाना। देखिए सही बात है, जनता भी देख चुकी है, एक आदमी को देख चुकी है कि आदमी जो वो चुनाव जीत के क्या क्या करता है, विकास वो भी देख चुके हैं, और महिलाएं भी चुनाव में बहुत आगे हुई हैं, वो भी विधायक सांसद क्या क्या बनी वो भी देख दिखा चुके कि नहीं हमने क्या विकास किया। अब जनता को देखना है कि जो किन्नर समाज के प्रमुख हैं, जो किन्नर यहाँ पे लिखा है किन्नर प्रमुख, ये कितना विकास करेंगे, अब ये जनता को देखना है। दो लोगों को तो देख चुकी है जनता, अब तीसरे लोगों को देखना है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इनसे भी जानेंगे कि आखिर में जनता को कैसे आप जो है विश्वास दिलाएंगे क्या काम करके। लीजिए, जनता मेरा जजमान है ना, उसके बच्चे को मैं नाची हूँ, उसके लड़के का शादी का नाची हूँ, इससे बड़ा दुनिया में और क्या सच्चाई का इतिहास हो सकता है, आप ही बता दीजिए। मैं उनका खाती हूँ, उनका गाती हूँ, जीतूंगी तभी गली गली जाऊंगी, तब भी तो देखूंगी। चलिए देखिए सलाहाबाद, ये नेता लूट के क्या करते हैं, जब ये जीत जाते हैं तो इनका जीवन एक राजा का जीवन बन जाता है, जैसे बाबर हुमायूं औरंगजेब और शाहजहां का जीवन बन जाता है। ये नेता जीतने के बाद फूटे हुए आईने की तरह गरीबों की गरीबी और मजदूरों की मजदूरी के तरफ एक नज़र नहीं डालते। इन नेताओं का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, गरीबों का हक लूट कर अपना झोली भरना, घोड़ा गाड़ी बंगला। सही बात है, आज तक जितने भी लोग आए हुए हैं नेता की लाइन में, तो वो पीछे क्या थे और आगे क्या हुए सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं, और उनका एक आगे का भविष्य क्या होता है वो भी सब लोग जानते हैं। लेकिन अब इन्हें देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि इनके आगे जो भविष्य किसके लिए बना रहे हैं, ये तो हमें लगता है कि ये नहीं समाज के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और समाज की भलाई के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जनता ने एक बार इनको मौका दिया तो शायद समाज में बदलाव जरूर आएगा, क्या कहेंगे आप? पक्का है मेरी जीत, पक्का है, जजमान ने इस बार मेरा को आशीर्वाद दे रखा है, और जिस तरह जमानत जब्त किया ना मेयर अमरनाथ उर्पाशा देवी ने, अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो उसी तरह जमानत जब्त होगा। ये जो बंटवारा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, अरे इसका तो जबान पे मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, एक किन्नौर को नहीं बख्शा, मजार पे मलताई बाबा की चादर चढ़वाया, सिरनी चढ़वाया, बाईडाटा चढ़वाया, सफ़ा चढ़वाया, पैसा, अरे मुख्तार भाई वो कहाँ गया? मैं जरा भी हिचकती नहीं हूँ, वो हिंदू का बच्चा क्या जानता है कि नियाज फातिया सिरनी और बाईडाटा सफ़ा क्या होता है। उसका नाम है विश्वजीत मौर्या, सन आप रमेश मौर्या, बरपुर का है। अगर तुम इतने ही गुर्गे पाल रखे हो तो उसको बुला कर पूछ लो, न तो इसको मुसलमान भाइयों को और यहाँ के मौलवी मौलवाना को और हाजियों नमाजियों को जवाब देना पड़ेगा, और तेरे
नाम से मैं फातिया जारी करूंगी। अगर मैं आह करती तो अर्श आजम हिल गया होता और तुझे भी दिल दुखाने का नतीजा मिल गया होता कि मेरे मैयत के पीछे दो कदम कातिल गया होता, न उससे आँख मिलती न मेरा दिल गया होता। वाह, तालियां तो होनी चाहिए एक बार, और जिसको समझ में आया होगा वो ज़रूर ताली बजाएंगे। तो दोस्तों आज आए हम सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी के साथ मऊ जनपद में, जो कि चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक मेरे दिमाग में खटक रहा है सवाल, मैं अपने पर्पज से पूछना चाहता हूं कि आपको किस तरह कैसे संबोधन करें, सुरेंद्र कहें या श्वेता कहें? अब उसी नेतवा से पूछते जो इस तरह का ही जड़वा कह रहा है, उसका राष्ट्रीय स्तर का पार्टी वाले हो गए ना जो माननीय लिख रहे हैं, उससे पूछे थे कि आखिर हमको श्रीमान जिले के टाइगर ने 3 शस्त्र ऑल इंडिया दिया, एक तो मेरा जब्त हो गया, 2 ही आदेश है, तो उनसे तो कोई बड़ा है नहीं विद्वान। तो डीएम का तो मैं आभारी और एहसान मंद हूँ कि जो उन्होंने मुझे 3 शस्त्र दिया, 3ों ऑल इंडिया दिया, जो राष्ट्रीय स्तर की जो बन रही है जिसके सिंबल से आया है वो भी जिम्मेदार है। वो जिस तरह के ये छाप और यहाँ के लुहलुहान और मलताई बाबा की नगरी को गंदा किया है सिंबल देके, मैं उससे भी पूछूंगी कि जो पहुंची भेजी थी वो पहुंची कि नहीं, या क्या अरशद भाई क्या तैयब भाई, वो पहुंची इतनी छोटी थी कि पहुंचने तक ना पहुंची। देखिए ये दोनों नाम बहुत जल्द हट जाएगा और चेयरमैन साहब इनको पुकारा जाएगा। हम लोग को विश्वास है कि चेयरमैन साहब कहेंगे ना ही इनको, अब सुरेंद्र कहेंगे ना ही श्वेता कहेंगे, अब हम इनको चेयरमैन साहब कहेंगे। लेकिन ये क्या ऐसी कौन सी डर आ गई कि आप फिर जो है शस्त्र लेकर फिर चलना? लीजिए गढ़ई पोखरा में लड़ता ना सा प्रधानी जिला पंचायत इन्हनी के शस्त्र चाहेगा, आ हम प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी और माफिया के गढ़ में लड़ रही हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या मुझे शस्त्र नहीं चाहिए? हाँ, मैं शस्त्र ये फर्जी अपने पैड पे लिख कर और फर्जी शस्त्र बनवा देता है। हमारे तो यहाँ देख लीजिए कमर में है, इस पट्टों पे है। हाँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, नेताओं से तो जनता ऊब चुकी है, मगर निवेदन करूँगी कि जो ये शब्द तू इस्तेमाल कर रहा है मैं पूछ दूँगी। चलिए बहुत ही अच्छा लगा बात करके, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी शुभकामना है कि आप चेयरमैन का चुनाव जीते, और जनता चाहेगी और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो आप ज़रूर जीतेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।